सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में चैप्टर 1 का लेक्चर 2 में क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। कल अपन जो लेक्चर 1 पढ़े थे उसमें इस भारती जो प्रथम पाठ है भारती वसंत गीति, जिसमें कवि के द्वारा माँ सरस्वती की आराधना करते हुए स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि लिखा गया एक गीत था, जिसमें कवि ने वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन को माँ सरस्वती को माध्यम बनाते हुए मनमोहक रूप से चित्रण किया था। वो शायद आप सभी के समझ में आ गया होगा, आपको दिया गया होमवर्क वो कर भी लाए होंगे। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हल करेंगे। क्वेश्चन आंसर का निर्देश इसमें दिया गया है, जिसमें अब की बार ये NCERT का पाठ्यक्रम लागू हो गया तो इसमें थोड़ा परिवर्तन है। RBSC और CBSE में अंतर है। CBSE में देखो क्वेश्चन आंसर बहुत ही सटीक से पूछा है कि एक पदेन उत्तरत, जो लिख दिया पूर्ण वाक्यन उत्तरत। हमें सबसे पहले प्रश्न हल करते समय प्रश्न का निर्देश जरूर पढ़ना है कि वो किस निर्देश से करवा रहा हल। जैसे एक पदेन है तो एक पदेन का मतलब है एक ही पद में उत्तर देना है, न कि पूरा लिखना है। यानी उस प्रश्न का उत्तर हमें एक ही पद में लिखना है। फिर आएगा दूसरा प्रश्न, जैसे इसमें देगा पूर्ण वाक्यन उत्तरत, तो वहाँ उसका उत्तर आपको पूरा लिखना है, पूरा। अगर हम एक पद में वहाँ उत्तर देते हैं तो हमारा उत्तर गलत माना जाएगा, इसलिए निर्देशों का पालन अवश्य करना है और निर्देशानुसार ही हमें क्वेश्चन आंसर हल करने हैं। अब अपन अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न लेते हैं एक पदेन उत्तरत। अब इसमें एक पदेन में जैसे आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, सभी अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर एक पदेन का पहला प्रश्न देखो कि कवि काम संबोधयति। पहला प्रश्न है जैसे कवि काम संबोधयति, कवि काम संबोधयति, यानी कवि किसको संबोधित कर रहा है, कवि इस गीत के माध्यम से किसको संबोधित कर रहा है। कल अपन ने पढ़ा था किसको कर रहा है, वीणा वादन अर्थात वीणा की देवी माँ सरस्वती को। तो इसमें एक पद में पूछ रहा है तो नीचे उत्तर लिख करके अपन को करना है कवि काम संबोधयति। तो यहाँ जो काम शब्द है ये प्रश्नार्थ शब्द है किसको, तो इस एक पद में जाएगा सरस्वती देवी, सरस्वती देवी और पूर्ण विराम हो जाएगा आपका, यानी कवि काम संबोधयति सरस्वती देवी, इस तरह आपको हल करना है एक पद में। इसी तरह दूसरा प्रश्न है कवि वाणीम काम वादितुम कथयति ख, कवि वाणीम काम वादितुम प्रार्थयति, ये देखो खे में आ गया दूसरा प्रश्न कि कवि वाणीम काम वादितुम प्रार्थयति, कवि वाणी यानी वाणी की देवी सरस्वती से किसकी प्रार्थना करने की, किससे कराना कर रहा है, यानी वाणी विद्या के लिए काम वादितुम किसको बजाने के लिए कह रहा है, वाणी की देवी सरस्वती को किसको बजाने के लिए कह रहा है। तो इसमें आया था निनादय नवीना मैं वाणी वीणाम, आया था ना श्लोक में। तो यहाँ जो काम शब्द है इस काम शब्द के जैसे अपन ने काम क्या करते वैसे यहाँ काम रेखांकित कर देंगे प्रथम शब्द है और उत्तर में आ जाएगा एक पद में है तो कवि वाणीम काम वीणाम, तो यहाँ आ जाएगा वीणाम।
कवि काम वादितुम प्रार्थयते, वीणाम वादितुम प्रार्थयते, एक पद में हो गया अपना। इससे तीसरा प्रश्न है, किदृशि वीणाम निनादितुम प्रार्थयति, ग किदृशि वीणाम निनादितुम प्रार्थयति, यानी कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, यानी इस गीत में कवि कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो उसमें आता नवीनाम वीणाम निनादे, तो इसमें आएगा किदृशि के स्थान पे नवीनाम। इस किदृशि शब्द जो आया ये प्रश्नवाचक शब्द है, और इसके स्थान पे आपको उत्तर में लिखना है नवीनाम, नवीनाम वीणाम, नवीन वीणा कथा नए ज्ञान के संचार के लिए कवि प्रार्थना कर रहा है। गीतिम कथम गातुम कथयति, जो गीत है उसमें किसको गाने के लिए कह रहा है, तो इसका देखिए गीतिम गीतिम कथम गातयितुम कथयति, गीत में किसको गाने के लिए कह रहा है, यानी जो ये गीत है इसमें कवि किसको गाने के लिए कह रहा है, तो इसमें अपने कथम यानी कैसे, तो गीतिम ललित नीति नाम, उत्तर में आ जाएगा ललित नीति लीनाम, मृदुम गीतिम ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम, यानी सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत को गाने के लिए कवि कह रहा है। इसके बाद देखो आगे, सरसा रसाला कदाल संते, घ सरसा रसाला कदाल संते, सरसा रसाला कदा लसंते, यानी जो रसयुक्त आम के वृक्ष हैं वो कब आनंदित होते हैं, यानी किस ऋतु मौसम के लिए पूछ रहा है, तो आया था यह वसंते, सरसा रसाला आया था लास्ट वाले पद में, तो इसका आ जाएगा वसंते। उत्तर में आ जाएगा ये जो कदा शब्द है इसके स्थान में लिख देंगे, यहाँ कथम था वसंते, वसंते। इस तरह आपको एक पद में देना है। तो देखो पहले प्रश्न में कवि काम संबोधित सरस्वती देवी, दूसरा प्रश्न है कवि वीणाम काम वादितुम प्रार्थयति वीणाम, यानी कवि वाणी की देवी सरस्वती तो किसको बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, वीणा को, कि दृश्य वीणाम निनादितुम प्रार्थयति नवीनाम वीणाम, गीतिम कथम गातुम कथयति ललित नीति लीनाम मधुम गीतिम सरसा रसाला कदा रसंते वसंते, स्पष्ट। इसी तरह बात है प्रश्न नंबर दो में, आपको देखिए पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, इसमें क पहला प्रश्न, अब इसका उत्तर आपको पूरा लिखना है, जैसे कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणीम किम कथयति, कवि
वाणी को क्या कहता है, यानी वीणा की वादिनी देवी सरस्वती को क्या कहता है, कवि ही। वाणी किम कथयति, कवि वाणी को क्या कहता है, अर्थात कवि सरस्वती को क्या कहता है, ये देखना है। यानी व्यास सरस्वती को क्या कह रहा है, तो इसमें देखिए कवि वाणिम कथयति, उत्तर में आ जाएगा कवि वाणिम, यानी जो वाणी है कथयति, यत हे वाणी नवीनाम वीणा निनादय, कवि वाणीम कथयति यत हे वाणी नवीनाम वीणाम, वीणाम में अनुस्वार लगा देना, नवीनाम वीणा निनादय। क्वेश्चन नंबर दो है, वसंते किम भवति, वसंत एक है, वसंते किम भवति, यानी वसंत में क्या होता है, जो वसंत ऋतु है उस वसंत में क्या क्या होता है वो बताना है अपन को। तो वसंते किम भवति, वसंते किम भवति यानी वसंत ऋतु में जो परिवर्तन होता है उसको बताना है। तो यह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, उत्तर में आ जाएगा वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला, सरसा रसाला लसंती ललित कोकिलानां ललित कोकिलानां कलापः विलसंती, ये हो जाएगा इसका उत्तर कि वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिलानां कलापः विलसंती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन में देखो, सलिलम तव वीणा माकरणे कथम उच्छलेत, सलिलम सलिलम तव वीणाम आकरणे कथम उच्छलेत, यानी जल तुम्हारी वीणा को सुनकर के कैसे उछलता है। तो इसमें जाएगा कथम, जो सब पूरा उत्तर लिखना है अपन को इसमें, तो पूर्ण में तो पूर्ण लिखेंगे सलिलम
तव वीणां आकरणे कांत सलिलम उच्छलेत, यानी जल तुम्हारी वीणा का सलिलम तव वीणा माकरणे कांत सलिलम उच्छलेत, जल तुम्हारी वीणा की आवाज सुनकर खेल की क्रीड़ा करता हुआ उछलने लग जाता है। कांत सलिलम का मतलब होता है खेल की क्रीड़ा करता हुआ। कवि भगवती भारती कस्य तीरे मधु माधवी नाम घे में देखो, कवि भगवतीं भारतीं कवि भगवतीं भारतीं कस्यः तीरे नतां पंकतिम अवलोके, अवलोके वीणां वादयितुं कथयति, वीणां वादयितुं कथयति। ये प्रश्न है कि कवि भगवती भारतीं कस्या तीरे नतां पंकतिम अवलोके वीणां वादयितुं कथयति, यानी कवि भगवती भारती यानी वीणावादिनी सरस्वती को किसके किनारे तीरे यानी किनारे पर नताम पंकतिम फूल वाले पौधों की पंक्ति को झुकते हुए देखता है और वीणावादियों को कहते और वीणा को बजाने के लिए कहता है। तो इसमें अपने शब्द आया था कलिंद आत्मजाया, कलिंद आत्मजाया किसका प्रयोग होता है यमुना का, तो यमुना नदी के किनारे अर्थात उत्तर में हो जाएगा कवि भगवतीं भारतीं अब ये जो कस्य है इसके स्थान में आएगा कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मजायः तीरे नताम पंकतिम अवलोके वीणां वादयितुं कथयति। इस तरह आपको पूर्ण उत्तर लिखना है। पहले वाले में एक पद में थे, इनमें पूर्ण उत्तर। अब समझ लीजिए, जैसे कवि वीणां किं वा कथयति, कवि वाणीं कथयति यत हि वाणी नवीनां वीणां निनादय। दूसरा प्रश्न है वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती कोकिलानां कलापा विलसंती। तीसरे प्रश्न में कह रहा है सलिलम तव वीणां आकरणे कथम उच्छलेत, तो सलिलम तव वीणां आकरणे कांत सलिलम उच्छलेत। कवि भगवती भारतीं कस्य तीरे नतां पंकतिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति, कवि भगवती भारतीं कलिंदात्मजाया तीरे नतां पंकतिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। स्पष्ट, ये दोनों प्रश्न आपको हल करने हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 में जो मिलान वाला है, यानी क को ख से मिलाना है। कै स्तंभे पदानि खै स्तंभे, प्रश्न नंबर 3
कै स्तंभे पदानि, खै स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि। तानि पदानि चित्वा तानि पदानि चित्वा समक्षे लिखत्। समक्षे लिखत्। अब इसमें दो स्तंभ आएंगे, कै और ख। एक होगा कै स्तंभ और दूसरा होगा ख। कै में शब्द है ख स्तंभ है। कै में है जैसे सरस्वती, आम्रम, तीरे, अलीनाम, पवनम, तटे, और भ्रमराणाम। समीरे इधर एक है में समीरे, वाणी रसाल है। ये दो स्तंभ हो गए आपके सामने। अब देखो कैसे मिलाना है इनको, कैसे ख में मिलान करना है। सरस्वती कै में है सरस्वती, आम्रम पवन तटे भ्रमराणाम, ख में तीरे अलीनाम समीरे वाणी रसाल है। वाणी रसाल है, ये ख स्तंभ के हैं। अब इनमें से कैसे ख में मिलाने हैं, यानी कै के जो शब्द हैं उनको ख में से सही सुन के इनके सामने लिखने। तो अभी आपको मैं तीर के निशान या रेखा खींचते हुए मिला के बता रहा हूँ, और आप कॉपी में करोगे ना जब बराबर में लिखना। जैसे सरस्वती है, सरस्वती इसमें जो भी शुद्ध शब्द आ रहा है वो आपको बराबर में लिखना है। अभी आप किताब में तो आप ऐसे रेखा खींच के मिला सकते हो, लेकिन होमवर्क जब करोगे तो होमवर्क में आपको उसके जस्ट सामने लिखना। जैसे सरस्वती है कै, इसका पर्यायवाची प्रश्न कह रहा है कै स्तंभ पदानि, ख स्तंभ पर्याय पदानि दत्तानि, यानी कै स्तंभ पद और ख स्तंभ में उसके पर्यायवाची दिए गए हैं। तानि पदानि चित्त उनको पद को चुनकर समक्ष लिखो, सामने लिखो। तो सरस्वती, अभी सरस्वती है, इसका पर्यायवाची इसमें क्या आया, ये देखो आया क्या, तीरे थोड़ी है, अलाल नाम थोड़ी है, समीरे भी नहीं होगा, वाणी भी नहीं, और रसाल है, बताओ। तो इसमें वाणी, वाणी सरस्वती का ही पर्यायवाची है, तो इसमें से आपको यहाँ मिला देना है। लेकिन जब आप कॉपी में करोगे तो कॉपी में आपको करते समय जस्ट इसके सामने लिखना वाणी, ऐसे, ठीक है ना। इस तरह कार्य की तरीका होता है। अभी किताब में आप ऐसे मिलान करोगे, काम आप बुक नोटबुक में ऐसे करोगे बराबर में। जैसे आम्रम, आम्रम का रसाल है, इससे मिलान कर देंगे, रसाल यानी होता आम। पवन
पवन यानी हवा होता है, हवा का यहाँ पर्यायवाची है समीर है, तो समीरे से मिल जाएगा। ऐसे ही तटे, तट यानी किनारा होता है जिसको इंग्लिश में पूल बोलते हैं, तो यहाँ इसका तीरे से मिल जाएगा एक नंबर से। और अली भवना नाम, ये बच गया अली भोरे का नाम है षष्ठी में बहुवचन का, तो ये अली नाम में ये हो गया। अब कॉपी में करते समय जैसे सरस्वती वाणी आम्रम का यहाँ आ जाएगा रसाल है, ऐसे करोगे काम। पवन का समीर है ही, तटे तीरे आ जाएगा, और भ्रमराणाम अली नाम, इस तरह आपको कार्य का ये मिलान वाले पद करने, बुक्स में बराबर में लिखने, किताब में से देखकर, और अभी किताब में आपको इस तरह उत्तर लगाने। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है कि अधोलिखित पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषा वाक्य रचना कुरुते, यानी नीचे कुछ पद दिए गए हैं, यानी एक शब्द है, उन शब्द को जोड़ करके आपको एक एक शब्द की वाक्य रचना करनी, यानी एक एक वाक्य बनाना है। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषा वाक्य रचना कुरत, यानी नीचे लिखे पदों को जोड़ करके संस्कृत भाषा में वाक्यों की रचना करो। जैसे इसमें निनादे आया पहला, अब निनादे शब्द को जोड़कर हमें कैमे है निनादे, निनादे खेमे हैं मंदम मंदम, मंद मंदम मिलाकर है, गैमे हैं मारुते, और घैमी है सलीलम, और नैमे हैं सुमने, इस तरह 5 पद हैं। इन 5 पदों को पढ़ करके पहले हमें इनका अर्थ मालूम होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम एक हिंदी में वाक्य रचना कर लेते हैं सिंपल, यानी जो वाक्य बनाएंगे ना अपन, वो वाक्य रचना बिल्कुल साधारण वाक्य में होगी, बृहद या विस्तारित नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है, सिंपल साधारण वाक्य की रचना हमें करनी है पाठ के आधार पर जो हमने पढ़ा था। जैसे निनादे शब्द आया था, निनादे का मतलब होता है बजाओ, मंद मंद यानी होता है धीरे धीरे, मारुत यानी होता है हवा, सलीलम यानी होता है कीड़ा करता हुआ, और सुमन यानी होता है पुष्प, इसमें सलील जल होता है, और सलीलम यानी जल कीड़ा करता हुआ। अब पहला है इसमें निनादे, अब निनादे शब्द का हमें वाक्य रचना करनी है, तो इसमें देखो आयती पंक्ति अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे है, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, ये वाक्य रचना होगी।
हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। इस शब्द को जोड़कर अपने वाक्य रचना करी, तो ये बन गया हमारा वाक्य। इसी तरह दूसरा है मंद मंदम यानी धीरे धीरे, मंद मंदम यानी धीरे धीरे, पवन है या समीर है जोड़ लो, समीर है मंद मंदम वहती हवा, धीरे धीरे बहती है, ये बिल्कुल साधारण हो गया, हवा धीरे धीरे बहती है। तीसरा है मारुत है, मारुत कहाँ लगा हुआ था, मले मारुत है शीतला वर्तते, मले मारुते शीतला वर्तते, मले पवन ठंडी है, मले पवन शीतल है ठंडी है। ऐसे सलिलम, सलिलम यानी होता है जल, सलिलम यानी क्या होता है जल। नदी नाम कांत सलिलम सलिलम उच्छलेत। तो इस सलिलम को जोड़ के बनाया अपन ने दो प्रकार, इसमें जल इसका हुआ जल क्रीड़ा करता हुआ। लास्ट है सुमने उद्याने सुमन है विकसती यानी उद्यान में फूल खिलता है। सुमन सुमना आता बहुवचन, लेकिन एक फूल खिल आ रहा है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी विकसती, अगर बहुवचन होता तो विकसन दिया जाता। इस तरह वाक्य रचना हो गई। तो देखो पहले निनादे का बना अये वाणी नवीनाम वीणा निनाद, हे वाणी अर्थात हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। फिर है मंदम मंदम यानी इसका अर्थ होता है धीरे धीरे, तो इसका हिंदी में बना लिया भाई हवा धीरे धीरे बहती, तो समीर है मंदम मंदम बहती, मारुते यानी हवा होती है तो मले मारुते शीतला वर्तते यानी मले पवन ठंडी है, तो ये मारुत शब्द को जोड़ दिया। सलिलम, सलिलम का अर्थ यहाँ जल क्रीड़ा से होगा, और अगर सलिले लगाएंगे अनुस्वार में आएगा तो वहाँ जल होगा, इसलिए नदी नाम कान सलिलम सलिलम उच्च, नदियों का ठंडा पड़ा स्थिर पड़ा जल उच्छल करता हुआ बह रहा है, जल क्रीड़ा करता हुआ बहता है। सुमने यानी होता है पुष्प के या फूल, उद्याने सुमने विकसती उद्यान में फूल खिलता है, ये कहलाती है वाक्य रचना। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला प्रश्न है अपने, पांचवा प्रश्न आपको नहीं करना है, आसम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा लिखा, तो इसमें हिंदी भाषा आंग्ल भाषा या वा शब्द का मतलब होता है अथवा, अर्थात इसमें हमने अंग्रेजी भाषा में नहीं करना, अपने हिंदी भाषा में आपको कल वाले चैप्टर में कल वाले लेक्चर में आपने हिंदी अर्थ किया था, मैंने आपको हिंदी अर्थ में दिया था वो कर लिया, इसलिए इसको नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, ये हिंदी अर्थ में आ चुका है इसलिए इसको नहीं करना है, क्रॉस का चिन्ह लगा देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, जिसमें पूछ रहा है कि अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखत, यानी विलोम अपोजिट जिनको बोलते हो। प्रश्न नंबर 6 अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत, यानी विलोम लिखने हैं। अब शब्द अपने कठोरम, कठोरम
कटु, शीघ्रम, प्राचीनम, और निरसय। कठोरम, कटुः, शीघ्रम, प्राचीनम और निरसय, इनका हमें विलोम अपोजिट लिखना है। तो कठोरम यानी पहले इनका अर्थ मालूम होना चाहिए, कठोर यानी क्या होता है, कटु यानी क्या होता है, शीघ्र यानी क्या होता है, प्राचीनम यानी क्या होता है, निरसय यानी क्या होता है। तो कठोरम का मतलब होता है कठोर, तो कठोर का यहाँ आया विलोम, कोमलम। कोमलम। इसी तरह कटु का आया मृदु, कटु यानी कड़वा, तो मृदु यानी मीठा। शीघ्रम का आया मंद मंदम, प्राचीनम का आया नवीनम, और नीरस का आया सरसे। कठोरम का कोमलम, कटु का मृदु, शीघ्रम का मंदम, प्राचीनम का नवीनम, और नीरस का सरस है। इस तरह आपको ये 6 प्रश्न थे इस चैप्टर 1 के, ये 6 प्रश्न आपको हल करवाए गए हैं। तो अब आपको इन 6 प्रश्नों को अपनी नोटबुक में हल करके लाना है। इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, गृह कार्य में पार्ट 1 के प्रश्न 1 से 6 तक कॉपी में हल करो। वह याद करो। पार्ट 1 के प्रश्न नंबर 1 से 6 तक के जो सभी प्रश्न हैं उनको आपको कॉपी में हल करना है और उनको याद भी करना है। काम सफाई से और शुद्धता से हल करना है। समझ गए प्यारे बच्चों? ये अपना लेसन 1 भारतीय वसंत गीत प्रथम पाठ है। भारतीय वसंत गीति समाप्त होता है। कल वाले लेक्चर में इसका भावार्थ करवाया था, आज इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। तो ये आपको होमवर्क में काम करना है, कल वाला आप कर ही लाए होंगे, और इसको साथ में याद भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।